क्लब्स देखने में तो वेरी शॉर्ट बट कहते हैं इसे लॉन्ग। जी हाँ, ये एक ऐसा मसाला है जो देखने में तो छोटा सा नजर आता है बट हिंदी में इसे लौंग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर मौसम में इसे यूज किया जाता है लेकिन इसकी तासीर गर्म होने के कारण सर्दियों में इसका इस्तेमाल अधिक होता है। ये गर्म मसाले का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो खाने को टेस्ट और फ्लेवर देने के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चेस में पाया गया है कि बाकी मसालों के कंपैरिजन में लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फेनोलिक एसिड कंपाउंड बेहतरीन और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो रिंकल से बचाव कर एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड विटामिन के, मिनरल्स लाइक मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड डाइट्री फाइबर भी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। अर्थराइटिस के कारण होने वाली सूजन और दर्द में भी लौंग काफी आराम देता है। ऐसे में लौंग के तेल की मालिश बहुत फायदेमंद है। गले के दर्द, जलन और खांसी में भी बहुत लाभकारी है ये छोटा सा लौंग। पानी में इसे उबाल कर पीने से गले की दर्द, खांसी और गले में होने वाली इरिटेशन से छुटकारा मिलता है। कफ हो तो लौंग खाने से कफ आसानी से बाहर निकलता है। इवन टीबी जैसी बीमारी में भी ये काफी फायदेमंद है। हैजा होने पर भी लौंग काफी फायदा देता है। उल्टी हो रही हो या जी मतला रहा हो तो एक दो लौंग को तवे में रोस्ट करके पाउडर बना के उसे शहद में मिक्स करके खाएं। क्लव्स की एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज दर्द में काफी आराम देती है, चाहे वो सिर का दर्द हो या दांत का दर्द। लौंग का तेल लगाने से बहुत आराम मिलता है। दांत दर्द हो तो कॉटन पे कुछ एक बूंदे लौंग के तेल की डालकर दर्द कर रहे दांत पर दबा कर रखें। और अगर लौंग का तेल घर में नहीं है तो एक लौंग को दांत पे दबा कर रख सकते हैं। इस तरह सिर दर्द में भी कोकोनट ऑयल में लौंग का तेल मिक्स करके लगाने से भी फायदा होगा। सांस की दुर्गंध से छुटकारा पाने में भी लौंग काफी फायदेमंद है। डेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया होने के कारण इसके तेल को ऑलमोस्ट सभी टूथपेस्ट में यूज किया जाता है। लौंग को पानी में उबालकर उस पानी को आप एज अ माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर लौंग खून के बहाव को तेज कर बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। क्लव्स की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रोगों को जन्म देने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर बहुत सी बीमारियों से हमारा बचाव करता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा हो, ना ही कुछ खाने को मन करता हो तो लौंग खाना फायदेमंद हो सकता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बहाव को बढ़ाकर डाइजेशन में मदद करता है। आपको भूख भी लगे, आप जो खाएं अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और गैस की समस्या भी ना आए, इसलिए अपने डेली यूज होने वाले मसाले में लौंग का इस्तेमाल जरूर करें। अस्थमा से पीड़ित लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लौंग है ना उनकी परेशानी को दूर करने के लिए। 5-6 लौंग को पानी में उबाल कर उसका काढ़ा बनाकर और उसमें शहद मिलाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार दिन में ले, ये कफ को पतला कर बाहर निकाल देगा और आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लौंग में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। रिसर्चेस में पाया गया है कि लौंग लंग कैंसर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो सकता है अगर इसका अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो। क्लव्स आर गुड फॉर आवर बोन्स हेल्थ, ये बोन्स की डेंसिटी को बरकरार रख उन्हें मजबूती देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग एसिडिटी से परेशान रहते हैं, उन्हें अक्सर ये कहते सुना जाता है कि लगता है जैसे एसिड गले तक आ गया और वो लगे रहते हैं एंटी एसिड मेडिसिन खाने में। ऐसे लोगों के लिए लौंग का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है। लौंग को मुंह में डालकर काटे और फिर मुंह के किसी एक साइड में उसे रख ले। ऐसा करने से लौंग के एसेंशियल ऑयल निकलेंगे जिससे स्लाइवा अधिक बनेगा और इससे न केवल डाइजेशन अच्छी होगी बल्कि एसिडिटी में भी आराम मिलेगा। लौंग में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाकर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में मदद करते हैं। बॉडी में इंसुलिन ना बनने के कारण या इंसुलिन में कमी होने के कारण डायबिटीज होती है, बट लौंग का रस कुछ हद तक इंसुलिन की तरह ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायक है। स्टडीज के अकॉर्डिंग नियमित रूप से लौंग खाने से डायबिटीज से बचा जा सकता है।
इसके लिए आप चुटकी भर लौंग का पाउडर अपनी सब्जी के ऊपर डाल के खा सकते हैं और इसके गुणों का पूरा फायदा ले सकते हैं। इट हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल आल्सो। इसकी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होने के कारण घाव, खुजली, काटने, जलने और फंगल इन्फेक्शन होने पर लौंग के तेल में कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाने से जल्दी आराम मिलता है। लौंग का तेल काफी गर्म होता है, इसलिए डायरेक्ट कभी उसे स्किन पे ना लगाएं। जब भी इसे इस्तेमाल करना हो किसी न किसी चीज में मिक्स करके ही लगाएं। क्लोव्स में एंटीऑक्सीडेंट की अमाउंट काफी होती है जो बॉडी ऑर्गन स्पेशली लिवर को फ्री रेडिकल से बचाकर सुरक्षित रखती है। लौंग ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, इससे कील मुहासों से भी बचाव हो सकता है। जिन लोगों को सर्दी अधिक लगती है उन्हें लौंग वाली चाय पीनी चाहिए। इसकी गर्म तासीर शरीर को गर्म रख सर्दी से बचाव करती है। बहुत सी बीमारियों का इलाज एरोमाथेरेपी से भी किया जाता है, यानी किसी चीज की खुशबू को सुंघाकर बीमारी का इलाज करना। लौंग के तेल की खुशबू से ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, कफ, एस्थमा जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। लौंग की खुशबू और टेस्ट इसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट यूजेनॉल के कारण है, जो इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नहाने वाले पानी में कुछ बूंदे लौंग के तेल की डालकर नहाने से शरीर की थकान दूर होती है और मसल्स रिलैक्स होते हैं। इसीलिए इसे अक्सर स्पा ट्रीटमेंट्स में यूज किया जाता है। इन्हें खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब भी खरीदें लौंग साबुत खरीदें, ना कि पाउडर की फॉर्म में, क्योंकि लौंग में पाए जाने वाले एसेंशियल ऑयल्स वॉलेटाइल होते हैं, यानी ये हवा में जल्दी उड़ जाते हैं, इसलिए इसका फ्लेवर लंबे समय तक नहीं रहता। इसलिए जब इसे खाना हो उसी समय ही इसका पाउडर बनाएं। अच्छी क्वालिटी के लौंग की पहचान है कि उसे थोड़ा सा नेल से दबाने से उसका ऑयल निकलता है। इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए अगर आप इसे पानी में डालकर देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी के लौंग वर्टिकल तैरने लगेंगे और बाकी के लौंग या तो फिर पानी के नीचे बैठ जाएंगे और या फिर हॉरिजेंटली तैरने लगेंगे। अच्छी क्वालिटी के लौंग देखने में मोटे होते हैं और उनमें ऑयल होता है। क्लव्स को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में डालकर उन्हें कूल, डार्क और ड्राई प्लेस पे स्टोर करें। कुछ एक बातों का ध्यान रखें कि टूथ एक होने पर बार बार मुंह में तेल लगाने से मुंह के अंदर की स्किन, टूथ एनामल और गम्स डैमेज हो सकते हैं। ड्राइड क्लव्स किसी किसी के मुंह में इरिटेशन कर सकते हैं, इसलिए जब भी खाएं थोड़ा सा चबाकर देख लें। इट ऑल्सो स्लोज ब्लड क्लॉटिंग, इसलिए सर्जरी से 2 वीक्स पहले और 2 वीक्स बाद ना ही खाएं तो बढ़िया है। सो इन्हें रेगुलरली खाएं, लेकिन एक या दो से अधिक नहीं। और अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो अपने हेल्थ एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अदरवाइज अधिकतर लोगों के लिए ये सेफ ही है। सो इसके टेस्ट और फ्लेवर का पूरा आनंद लेते हुए बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पाएं। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट।